अस्सलाम वालेकुम। आज मैं साना लखवानी पुलाव नी रेसिपी शेयर करन लगी हां, जिसकी अपनी जबान च काबली पुलाव भी आहणे। मैं किस तरह बनानी आ मजेदार जे अपने घर, मैं साना लिसनी रेसिपी शेयर करनी आ। तो चलो शुरू करने आ अज असा अपनी अखवानी पुलाव नी रेसिपी। इसने वास्ते थोड़ियां सारियां चीज़ां मैं साना थोड़ी जी शेयर कर सा के अगर पहले असा कोई रेसिपी बनानी होवे ना, तो थोड़ी देर पहले अगर जे असा घंटा कुसकी अपने जहन च रखा तो थोड़ी सारी असा वास्ते आसानियां हो सकनियां कि असा वो चीज़ा रेडी करी रखी छोड़ा, तो फिर साना बिल्कुल थोड़ा टाइम लगना। तो चलो मैं साना शेयर करनी हाँ कि मैं किस तरह बनानी हाँ। चलो जी असा इसकी बनाने वास्ते मैं गोश्त ते अपनियां गाजरां ये जड़ियां ना धोई कट्टी रखी असन, इस फिर असा टाइम बची जाना। इस तरह मैं दुनिया भी चीज़ा जड़ियां ना जिस तरह पालक हो गया और कोई चीज़ा वो भी कट्टी के धोई तो रखनियाँ, मर्चा टमाटर सारिया चीज़ा। तो फिर उसने तुसा जिला कोई रेसिपी कोई चीज़ बनानी हो तो फोरन तुसा कट्टी के धोने छोने रफड़ा करो जान छुट्टी जानी है, थोड़ा जहा ईजी हो जाना। इसकी बनाने वास्ते असा की जड़िया चीज़ा चाहिए न, प्याज दो में कट्टे न मीडियम साइज ने, तो डेढ़ किलो गोश्त है। गोश्त तुसा कोई भी अपनी मर्जी ने ले सकने हो, इसने पीस असा इस तरह बड़े बड़े बनवाए थोड़े, ते कैरट न ते अदरक गार्लिक पेस्ट, ते चावल डेढ़ किलो, ते डेढ़ किलो गोश्त है, ते किशमिश, ते काला जीरा, काजू, ते अठ एक सानिया सब्ज लाचियां, बादियान न फूल, ते एक मोटी लाची, ते कोई अठ दस लौंग होसन। ते असा इसने नाल ही बनाने हैं हूँ थोड़े मसाले इसने पैने, तो बहुत ही मज़ेदार बनना। तो चलो असा शुरू करने हैं, तो मैं तुसा की दसनी हूँ मैं किस तरह बनानी। सब तो पहले चूल्हा ऑन कर सा, तो इसमें ऑयल बासा एक कप, फिर इसमें जसा अपने प्याज शामिल कर सा, बना के फ्राई कर सा। बहुत ज्यादा उस तरह नहीं बनाने जिस तरह अस तड़के वाले चावल बनाने हैं, तो बहुत ज्यादा ब्राउन करी छोड़ने हैं, उस तरह चावल नहीं बनाने। बहुत ही हल्का जहा रंग इसना कटना है, इस प्याज जड़े ना बहुत ही आदर दिमागी नाल करने, बहुत ज्यादा नहीं करने। जिस तरह मैं दरमियानी जो दसा ना कि दरमियानी जहा रंग हो इसने नाइस लगना, कि वैसे अगर असा जो तड़के वाले चावल बनाने हैं ना तो उसने ज्यादा भी रंग हो तो कोई मैटर नहीं होना, इसने इसका जो रंग है ना थोड़ा जहा हल्का होना, उसने को इसकी दरमियानी जहा ब्राउन करना। जब तक असा ने प्याज ब्राउन होने ना तब तक असा अपना मसाला जड़ा ना इस तरह ना दरदरा जहा हो जाए ना, तो मसाला असा ना रेडी है। प्याज असा ना तकरीबन हो ही गया इस तरह ना ही असा ही चाहना, और असा इसने शामिल कर सा गोश्त, शामिल कर सा तो
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਸਾਂ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਇੱਕ ਟੀ ਸਪੂਨ ਤੇ ਅਦਰਕ ਥੋਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਪੀਸਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਰੰਗ ਇਸਨੇ ਫਰਾਈ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੀ ਥਾ ਦਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਕਰਸਾਂ ਕੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਸਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਲੋ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਝਾੜੀ ਛੋੜੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ ਇਸਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਚੇ ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਚੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬਾਈ ਝਾੜੀ ਛੋੜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗਲੀ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਚਵਾ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਚਵਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਗੋਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਗਿਆ ਇਸਕੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁਣ ਹੋਈ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਸਾਂ ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਸਾਂ ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੂਪ ਨਿਕਲੀ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਂਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਗਲਨੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸਾਂ ਨਾ ਜਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ ਕਰਸਾਂ ਬੰਦ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਸੂਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਈਸ ਜਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਖਣੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮਾੜਾ ਕਿ ਸ਼ੀਪ ਨੇ ਪੀਸ ਬੜੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਪੀਸ ਬੜੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੀਪ ਨਾ ਸੀ ਪੀਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕੈਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਾਈ ਕਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਚਮਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬਸ ਆਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਾਜੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਕਾਜੂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੋਈ ਗਏ ਫਰਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੈਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
हैगियां थोड़ियां फ्राई हो जान तो फिर इसने च एक चम्मच शुगर शामिल करसा। नाइस स्वीट हो जानियां इसने नाल अगर थोड़ियां कट मिठियां होनियां ना शुगर थोड़ा बहो ना तो इसने ना नरम तो नाइस मिठियां हो जानियां ज्यादा तो दूसरा जरा ना कलर इसना बहुत नाइस हो जाना। चेक कर गोश्त रेडी इन्ना की रखनी है इधर हूं असने किशमिश बस जरा धोता उसी के कुछ बेला कोई रिक शिक हो फिर निकली जाए। चलो किशमिश रेडी अस जड़ियां फ्राई करनिया सन चीजा ये करी लियां ते ए रेडी हैं हूँ अस खोलने अपना कुकर तकड़े हैं कि असान गोश्त कुछ तक पुज है हूँ अस इसने चु सारा अपने गोश्त कटी लसा इस मिला गोश्त असान हो गया बेहतरीन रेडी जिस तरह असा की चाहना सी हूँ ये ड्राई ना हो जाए इस वास्ते इसने पर ढक्कन लाई तो इसकी रख सा एक साइड पर हूँ अस कुकर जी सूप है ना सारा शामिल करना चावल असाने डेढ़ किलो सन जेड़े में पहले सेड़ी ते रखे त्रै चार घंटे ने सारे इसने शामिल कर सा आज मैं इस अंदाजे नाले चावल बनाने बनाए ना के जरा एक एक इंच जड़ा ना है ए एक इंच है इतना चावलों को ए पानी उपर हो सूप जड़ा वे तो अगर की ज्यादा और जरूरत हो तो और भी बाई सकने शामिल कर ही सकने हो या सिंपल ए कि मैं ये जड़े ना पांच गिलास चावल ले सन तो ये जड़े ना सेड़ी तो चावल जो असा रखे ना तो फिर दस नहीं लेने फिर तुसा नौ गिलास ले लो तो चावलों में एक कतरा भी पानी ना हो क्योंकि अगर एक गिलास पानी इसने भी होया ना तो फिर दस हो गए फिर सन चावल ढिले हो जाए सन उस तरह चावल नहीं बढ़न गए नाइस खिले खिले जेडे असा खिचाई ने इस पुलाओ वास्ते तो हूँ अस इसने शामिल कर सा नमक एक खाने में चम्मच तो बस हूँ इसकी जरा नाइस पकड़े वास्ते उपर रख सा ढक्कन तो इसना वेट कर सा कि कितनी देर जिया पकने फिर की दसनी है। चावल असाने होइए नाइस जिस तरह ने असाई चाहिए ने तको हूँ ये दम लाने जो होइए हूँ अस इसकी लाने है दम ला करी तो असा पहले बस
हूँ इसके लासा दा मैं नीचे इसने तवा रखे है कि फिर जरा ना कोई नाल लगने ना खतरा बिल्कुल नहीं रहनेगा। हूँ असा इसकी दम देने हैं तकरीबन 20 मिनट मिलने हैं फिर दम तो बाद 20 मिनट बाद। चलो जी असा अपना दम खोलने हैं। देखो जी माशाल्लाह सारा पुलाव रेडी हो गया तो हूँ असा इसकी करनी है डिश आउट फिर असि दसने इसकी फाइनल शक्ल। देखो माशाल्लाह फटाफट रेडी हो गया थोड़ी जी एफर्ट लगनी है तो आराम नाल तुसां बड़ी रौनक आला पुलाव बनाओ बनाई सकने हो। हूँ असा डिश आउट करने हैं फिर असि दसने हैं इसकी फाइनल शक्ल। माशाल्लाह चावल तको जी जी माशाल्लाह असा थोड़ी जी एफर्ट लगनी है इसने च पर नाइस तको अखवानी पुलाव रेडी हो जाना जेडे असा रेगुलर अपने खाने बनाने हैं जिस तरह करियां तड़के वाले चावल या और कोई चीज़ा सब्जियां दालां शालां उसने को बहुत डिफरेंट है असा अपनी कुसा दावत च बनाओ तो बंदे सरप्राइज हो जा सन कि कितनी नाइस डिश बनाई है ते माड़े बच्चों की भी बहुत पसंद है यकीनन तुसा भी बनाओ तो सारे बच्चे भी बड़े सब इसकी इंजॉय कर सन ते मैं बच्चे की बुलानी हाँ ते वो कोई टेस्ट करी कर दसा कि किस तरह बनी है। अखवानी पुलाव ने मैं और भी बहुत सारे तरीके बनानी होनी हाँ कुछ उसने चू क्विक बनी सकनी रेसिपी ते मैं वो भी सारे ने इंशाल्लाह शेयर कर सा ते मैं बुलानी हाँ कुसा बच्चे की ते टेस्ट करानी हाँ तकड़ियाँ के क्या रिस्पॉन्स अच्छा। Do you want some butty? Ready? Here you go, butty.
I don't know, we don't do Christian loving and all that. I'm just here for the biryani.